नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो एक 1020 का एक प्रिंटर है आया है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसमें जो प्रॉब्लम दिखा रहा था एक्चुअली वो था इस सेंसर का ही था, ठीक है। इसमें सेंसर में तो इसको भाई एक इंजीनियर ने खोला और ये जैसे खोला तो उसको हाथ में आ गया और उसको समझा भी नहीं है कहाँ सेंसर लगता है, कैसे है, क्या है। तो बाद में उससे कुछ किया नहीं, फिर वो चुपचाप जहाँ था और इधर ही रखे गया। बाद में वो मैडम का मुझे फ़ोन आया कि सेंसर क्या है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, टूट के बाहर आ गया है, फिट नहीं करने को जमा तो रिटर्न देके गया है। तो रहते हैं भाई, बहुत जन ऐसे आवाज़ आते हैं, क्या करेंगे। तो ये एक्चुअली है सेंसर, पेपर पिकअप सेंसर है, ठीक है। ये पेपर और ये टूटा नहीं है, बस ये निकल चुका है। ये ऐसे सिर्फ नॉर्मल फिट कर देंगे तो भी हो जाएगा। और ये कहाँ लगता है मैं वो भी बता देता हूँ। इस प्रिंटर का मुझे पूरा डिट्टो मालूम है, इसलिए मैं आपको इसमें पूरा बता सकता हूँ। पर हाँ, ध्यान रखिएगा सेंसर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर टूटेगा भी तो उसका भी हम फैब्रिकेशन कर देंगे भाई, टेंशन नहीं लेना। बहुत से लोग तो नहीं चिपका पाते या नहीं जोड़ पाते, पर हम वो भी कर लेते हैं भाई। फेविक्विक से नहीं होता, बहुत जन ये गलत फहमी मत रहना कि फेविक्विक से काम हो जाता है। और फेविक्विक से पहले प्लास्टिक के ऊपर नहीं चिपकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये स्क्रू खोलने होंगे और ये स्क्रू, सॉरी जगह थोड़े स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, अब थोड़ा जगह दिख रहा है, ओके। पहले ये सारे स्क्रूज को खोलेंगे हम, ओके। तो स्क्रू खोलने के बाद धीरे धीरे सिर्फ एक दोनों साइड के ढक्कन को भी हम ओपन कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों साइड का मैंने अभी ढक्कन को निकाल दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो उसका पीछे का बॉडी है इसे आपको ओपन करना होगा सिंपली, ठीक है। इसे आपको सिंपली ओपन होगा, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से भी हो जाता है, निकल जाता है, नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ इसका लॉक रहता है, ये हो गया, ये सिंपली निकल गया। अब ये सेंसर देखिए कहाँ लगता है, एक्चुअली ये सेंसर लगता है कुछ यहाँ पे, ये इस तरीके से जाता है, मतलब ये यहाँ पे जो अभी ध्यान से कैसे दिखाऊँ मैं आपको, देखिए आपको मैं थोड़ा सा और नज़दीक लेकर जाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, ये सेंसर इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये वाला दिख रहा है इसका, ये वाला, ये बड़ी टांग इसकी इस तरफ जाएगी और ये वाली जो छोटी वाली लेग है ये इस पर बैठेगी यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इस तरफ बैठेगी लॉक है, यहाँ पे इसके लॉक बैठेगा। और ये जो ये है ना, ये इसका पेपर सेंसर है। इसको जब इस पर डालेंगे ना, मैं पहले इसको फिट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट है बैठाना, पर इजी है, मतलब बस थोड़ा सा सावधानी से, मतलब बहुत सावधानी से करना पड़ता है। अदरवाइज अगर डैमेज हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छे से बैठाने का। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, ओके। तो ये थोड़ा सा ये अंदर गया, ओके। ये नीचे जाना चाहिए, यहाँ ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इसके ऊपर आएगा यहाँ से, ओके। देखिए ये यहाँ हो गया, इस तरीके से नीचे चला गया ये। अभी उसके बाद क्या हो जाएगा, इसे सिंपली यहाँ पे बैठाइए, कैसे भी करके आराम से करिएगा, कोई घाय नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। तो सॉरी गाइस, एक्चुअली ये बैठाना बहुत, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन दिखाना आसान है। तो देख सकते हो आप, ये देखो किस तरीके से मैंने इसको बैठा दिया, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से होता है, और देखो ये जब पेपर हम जब टोनर यहाँ से डाल देंगे, ठीक है, आगे से, तो इसका जो सेंसर है ना ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब सॉरी यहाँ पे मैं बुलाऊँगा, तो ये देखो ये इस तरीके से सेंसर आएगा, जब टोनर इधर पर लगेगा फिर ये इधर से उठेगा और इसका ये सेंसर इधर बीच में आएगा, तब इसका जाके पेपर प्रॉपर उठाएगा और प्रॉपर छपेगा भी। अगर आपका ये प्रॉपर छपेगा, अगर ये नहीं होता है, मतलब अगर इस तरीके से नहीं उठेगा, अगर इसी तरीके से रहा तो आपका पेपर एरर देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा पेपर का, क्योंकि ये पेपर सेंसर है एक्चुअली एक हिसाब से, ठीक है। जो यहाँ पे हमने देखो फिट किया, किस तरीके से किया, देखो बारीकी से ज़रा, इसका बड़ा वाला पॉइंट ऊपर रहेगा, ठीक है, और बाकी छोटा पॉइंट इसका नीचे, और इस तरीके से इसको फिट किया। ये थोड़ा टफ था, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा स्टॉप करना पड़ा, वीडियो छोटा ही बना है, पर ठीक है। अभी मैं आपको एक बार इसका प्रिंट आउट निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है।
प्रिंट आउट निकालने के पहले आपको इसमें मैं आपको टोनर डाल के दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये सेंसर के बारे में, ठीक है, कि ये सेंसर टोनर डाल के दिखाऊंगा कि ये सेंसर देखो उठता है कि नहीं। अगर नहीं उठेगा तभी भी इसमें फिर हमको काम करना पड़ेगा। ये देखिए अभी मैं इसको प्रिंटर को सबसे पहले सिंपली इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें हम टोनर डाल देंगे इसका, टोयले का, ये मेरा टोयले का ये टोनर, ठीक है। टोनर को जैसे मैं यहाँ पे डाल के यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, यहाँ पे आप सेंसर देखेंगे तो उठ जाएगा। ये देखो इसके इन दोनों के बीच में आ गया इसका सेंसर, ठीक है। और अगर हम जैसे टोनर इसको निकाल देंगे तो वो सेंसर अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस एक्चुअली होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये इस तरीके से नहीं होगा तो आपका सेंसर वर्क नहीं करेगा। एक मिनट, ये देखो ये सेंसर अभी डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, अदरवाइज आप सोचेंगे कि परमानेंटली इसको उठा के रखे तो आपको एरर आएगा और पेपर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, सेंसर सेंस ही नहीं करेगा तो होएगा कहाँ से, ठीक है। तो अभी हम इसका प्रिंट आउट एक निकाल के देखेंगे। तो ये देख सकते हो, देखो मैंने अभी प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड किया और एक टेक्स्ट प्रिंट मार के भी देखा तो प्रॉपर आ रहा है। तो अभी आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने अभी मारा टेक्स्ट प्रिंटर, ठीक है। तो ये देखो मैंने अभी सेट किया ये पूरा प्रिंटर, ठीक है। खोल के अभी भी देख लो भाई, वही प्रिंटर है, ओके। तभी देखिए इधर ड्राइवर डाउनलोड किया मैंने और यहाँ से मैं इसे राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़, बस वो सेंसर निकल गया था भाई, अब सेंसर फिट करने को नहीं आ रहा था सामने वाले को, जिसकी वजह से पेपर प्रॉपर नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो ये देखो ये हो गए, ये पहले का प्रिंटर है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अभी आपको एक बार और इसमें फिर भी मार के दिखाऊंगा मैं, ताकि भाई आपको भी ऐसा नहीं हो कि भाई एक ही बार मार के दिखाया, ठीक है, ओके। तो अभी वापस से करके दियो, देखो अभी प्रिंट टेस्ट भेज करो, हो गया। अभी देखो ठीक है, ये देखिए दोनों साइड छप गया। तो वीडियो कैसा लगा भाई ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।